छत्तीसगढ़ में रेत खनन का नया तरीका। छत्तीसगढ़ के बड़े नेता के क्षेत्र में हो रहा है अवैध रेत उत्खनन। कई फीट जल भराव के बाद भी रेत खनन का यह नया तरीका। खारून नदी के जल को किया जा रहा है दूषित। शासन प्रशासन की आंखों में बंधी पट्टी। कार्रवाई नहीं तो समझ लीजिए इस बड़े नेता का ही हाथ है। देखे पूरी खबर, देख सकते हैं आप नए तरीके से रेत खनन का नया तरीका। खारून नदी की इस धरती पर गड़बो नवा छत्तीसगढ़, गड़बो बड़बो और खनबो नवा छत्तीसगढ़ का नवा तरीका। नमस्कार, मैं हूं नागिनी साध और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो। आज का यह खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। आज कुछ ऐसा एक खबर एक ग्राउंड जीरो से मैं आज आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं, और वो भी ग्राउंड जीरो से पाटन विधानसभा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र से। ऐसा खबर ग्राउंड जीरो से, एक ऐसा खबर जी आज तक किसी मीडिया रिपोर्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे ग्राउंड छत्तीसगढ़ के माध्यम से मैं आज आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये जो नदी, आप सामने नदी है, और हम जिस इस वक्त पाटन विधानसभा के क्षेत्र में खड़े हैं, और ये खारून नदी का नदी है, और नदी के बीच से किस प्रकार से रेत निकाला जा रहा है। रेत निकालने का एक नवा गड़बो छत्तीसगढ़ के तकनीक के तहत यहाँ पे रेत निकाला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि रेत कैसे निकाला जा रहा है। आप इसे देखिए कि एक पाइप, वहाँ दो नाव है, नाव में मोटर रखा गया है, मोटर के थ्रू पाइप लगाया गया, और पाइप के थ्रू पानी और रेत दोनों का सम्मिश्रण होकर यहाँ पे डंप हो रहा है। पानी जो है बह के निकल रहा है और रेत वहीं पे रुक जा रहा है। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे अवैध तरीके से रेत का खनन किया जा रहा है, वो भी नया तकनीकी माध्यमों से। आप देखे साथ ही यहाँ पे एक कोकलेन नहीं, यहाँ पे करीबन कई बहुत ही मात्रा में यहाँ पे कोकलेन जो है, यहाँ पे एक दो तीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पे आधे दर्जन से ज्यादा यहाँ पे हाईवा की लाइन लगी हुई है यहाँ पे, और इस प्रकार की जो कृत्य किया जा रहा है, जो हम कहते हैं कि नदी जो है हमारे लिए पूजनीय होती है, लेकिन नदी की स्थिति आप देख सकते हैं, और नदी का जो जल है इसका भी जल जो है आचमन करने लायक भी नहीं है। अब समझो कि रायपुर वासियों को कितना इसका नुकसान हो सकता है जब यह पानी आगे के क्षेत्र में जाएगा। रायपुर वासियों को यह जो पानी है, जब वो इसका यूज करेंगे तो उन्हें कई प्रकार की बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है। तो समझ सकते हो कि किस प्रकार से मुखिया भूपेश बघेल के क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, और वो भी दिन दहाड़े इस प्रकार के कार्य होना आप समझ सकते हैं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और क्या यही गड़बो नवा छत्तीसगढ़ का एक नया उदाहरण ये कांग्रेस पार्टी की सरकार दिखा रही है। एक तरफ कहा जाता है कि हम लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं, और यहाँ पे पूरा दिन दहाड़े ये लोग पर्यावरण का सत्यानाश कर रहे हैं, नदी का सत्यानाश कर रहे हैं। क्या यही है अवैध तरीके से रेत उत्खनन किया जा रहा है, वो भी मोटी पैसे की कमाई के लिए। कहाँ है खनिज विभाग के अधिकारी, कहाँ मर गए, कहाँ एनजीटी वाले, जो पर्यावरण विभाग के देख रेख करने वाले कहाँ है अधिकारी। ये अवैध तरीके से जो रेत निकाला जा रहा है, ये क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको, और साथ ही जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर हैं, SDM है, क्या उनको ये सब अवैध जो यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, ये उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये नवा गड़बो नवा छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण यहाँ पे नया तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। आप समझ सकते हो कि ये इस काम में कहीं ना कहीं में भूपेश बघेल अगर इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो समझ जाओ कि है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है कि भूपेश बघेल के संरक्षण में यह अवैध तरीके से जो खदान है यह संचालित हो रही है। तो आपको यह आज का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कैसा लगा, वो भी आज का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में आकर हमने आपको दिखाया। आपको कैसा लगा तो कमेंट कर जरूर बताएं, और अच्छा लगा यह वीडियो
जनहित के मुद्दों को लेकर मैं यह विषय को लेकर आया हूं, यह खबर लेकर आया हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं।